रेडियो 2 की स्टार कास्ट चार लुधियाना पहुंची और उनसे खास बातचीत की हमारी रिपोर्टर शिप्रा पसरीजा ने। आप भी देखें यह खास मुलाकात। जी हाँ, रबदा रेडियो फिर से आ रही है लोगों के रिश्तों में मिठास घोलने, लोगों में बहुत सारा प्यार बनाने। यस, वी आर हेयर इन स्मार्ट सिटी लुधियाना टू इंट्रोड्यूस यू टू वन ऑफ द वेरी गॉर्जियस एक्ट्रेस, मिस सिमी चहल। हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स। थैंक यू जी। थैंक यू। हाउ आर यू मैम? बहुत बढ़िया, दिस इज नाउ ठीक मैम। वी मस्ट से यू आर एन एलिगेंट कॉम्बो ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन्स, इतनी ब्यूटीफुल एक्टिंग है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप इस मूवी के बारे में ही कुछ दीजिए, अपने हाईलाइट्स कुछ बताइए इस मूवी के बारे में। जी, आप हिंदी में बताऊँ या पंजाबी? कोई प्रॉब्लम नहीं मैम, आप पंजाबी भी बता सकती हो ना। आई वुड लव टू, बिकॉज जी नत्ती मार्च नू मूवी आ रही है साड़ी रब द रेडियो 2। तो एक सब तो इंट्रस्टिंग गल यह आ कि अज तक पंजाबी इंडस्ट्री च कभी भी फर्स्ट पार्ट कंटिन्यू नहीं होया। तो यह चाहता कि सैकेंड पार्ट इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट पार्ट, जिथे फर्स्ट पार्ट छड़िया सी उत्थों ही कंटिन्यू होगा। उत्थे डोली चढ़े सी आपां ते इत्थे आगे उतरूगी। सो इट बी वेरी इंट्रस्टिंग टू वॉच बी व्याह तो बाद मनजिंदर ते गुड्डी दी लाइफ च की हुंदा। जो हमने फर्स्ट आपका पार्ट देखा था रबदा रेडियो, बहुत ही अप्रिसिएशन मिली इस मूवी को। आपका करेक्टर भी बहुत स्वीट और वो चुलबुली टाइप गुड्डी, इस मूवी में आपका करेक्टर किस टाइप का है? जी सेम ही है, क्योंकि लड़की तो सेम ही है जिसकी शादी हुई है। तो हम कहते हैं ना, शादी के बाद कुछ मैच्योरनेस आ जाती है। ये तो फिर यही तो देखने वाली गल आ कि मैच्योरिटी आँदी आ नहीं आँदी, लड़ाइयाँ होंदिया ने कि होर प्यार हों, मतलब यही गल देखने वाली ने, यह तो मैं दस नहीं सकती। तो मैम, आपको जब इस मूवी में फर्स्ट जब आपने रोल प्ले किया था, तो कैसा आपको वो लगा कि आपको जो करेक्टर मिला उसमें आप वो थ्री सिस्टर्स में आप सबसे एल्डर सिस्टर थे, तो उस टाइम जब आपने वो स्टोरी लाइन सुनी होगी तो आपको कैसे लगा कि एक कंसेप्ट भी डिफरेंट था, कुछ नेम भी डिफरेंट था रबदा रेडियो, तो तब आपको कैसे माइंड में आया कि ये करेक्टर आप प्ले करना चाहेंगे? मैनू तो जी देखो बहुत वधिया लगे सी, क्योंकि जस वीरे दी लिखी हुई कहानी है, जस गरेवाल जी, ते ही इज लाइक एन एल्डर ब्रदर एंड आई ट्रस्ट हिम सो मच। ते जदों भी वह कुछ मेरे को लेके आते हैं, मैं तो मतलब अखा बंद करके ट्रस्ट करती हाँ। तो मैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज वीरा भी बहुत एक्साइटेड सी, तो जो मैं स्टोरी सुनी आई वॉज इन लव विद इट, क्योंकि जी भाभी और ननान का वो रिश्ता सी, वो सो स्वीट, वो कितनी ज़्यादा डेस्परेट सी अपनी भाभी की शक्ल देखने, तो वो गल्ला वो जी छोटी छोटी मोमेंट्स सी ना, वो बहुत ज़्यादा प्यारियाँ सी। मैम हम देखते हैं ना आजकल के जो टाइम पीरियड चल रहा है ननान और भाभीियों में, तो कहीं ना कहीं वो कड़वाहट नहीं एग्जैक्टली कह सकते, पर पता की है हूँ, क्योंकि इंटरनेट सोशल मीडिया तो अजकल तो हो ही नहीं सकता ना। अजकल तो नाम पूछा तो इंस्टाग्राम से सर्च कर लिया, फेसबुक से सर्च कर लिया, अच्छा ये भाभी आ, क्यूरोसिटी तो रह ही नहीं सकती, क्योंकि सारे सोशल मीडिया से ने, वो तो चाहे तुसी मिलो भी ना मिलन तो पहला तो पता होंगे भी इंसान की हो जाए दिसदा। सो इसमें जो आपकी छोटी सिस्टर ने रोल प्ले किया था, जो पी पी बजाती थी, अभी भी वो आपके साथ इस मूवी में, अभी भी वो देखना वो क्या क्या करेगी। तो मैम हमने सुना है, जैसे आप बेसिकली यू आर फ्रॉम अम्बाला सिटी, तो अम्बाला कैंट, ओके, यू बिलोंग टू हरियाणा, तो हरियाणा से पंजाब में आके आपको कितना डिफरेंस फील होता है? वहाँ की लाइफस्टाइल डिफरेंट है, वहाँ की लैंग्वेज डिफरेंट है? जी काफ़ी डिफरेंट है जी। मैं देखो क्योंकि तुम हिंदी बोल रहे हो, मैं भी हिंदी तो आ जानी हाँ, क्योंकि मैंने हिंदी बहुत बोली है बचपन से, क्योंकि मैं हरियाणे पली बड़ी हाँ, तो आप सारे फ्रेंड्स बाहर घर दे हिंदी बोलते सी आप, पर घर मम्मी का रूल से भी पंजाबी बोलनी है, तो ही मैनू आँदी है। तो काफ़ी डिफरेंस आ हरियाणा तो पंजाब, जिदा लोगों का फर्क आ, खाण पीन का फर्क आ, बहुत फर्क आ, बट दैन आई लाइक इट, मैनू तो दोनों जगह ही पसंद ने। आई एम ऑलसो फ्रॉम हरियाणा। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, बहुत वधिया लग्या जी। मैं आ गई सी पढ़ाई करन, मैं 10वीं तो बाद पंजाब, मैं चंडीगढ़ आ गई सी, तो मैनू पर पंजाब बहुत वधिया लगता। मैं कह सकते हैं आपके पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है आपको पंजाब से, पंजाबी लैंग्वेज से उन्होंने कनेक्ट कर। हाँ जी, जो मेरे मदर एक्चुअली एवरी सारा श्रेय मेरी मम्मी नूं जांदा, तो शीज एवरी थिंग एंड उन्ना कर गई जी मैं इत्थे अज। विच वॉज योर फर्स्ट मूवी? मेरी फर्स्ट मूवी बंबू कार्ड सी जी, डेब्यू मैं बंबू कार्ड तो की 2016 च। तो
मैम पंजाबी मूवीज में जैसे हम देखते हैं कॉमेडी का ट्रेंड आजकल ज़्यादा चल रहा है, कॉमेडी मूवीज पे लोग फोकस करते हैं, टेंशन अपनी ज़्यादा वो करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब जब डिफरेंट टाइप की मूवीज भी आनी चाहिए लोगों लोग बहुत अप्रीशिएट करते हैं? हाँ जी आ रही ने जी, डिफरेंट टाइप्स की आ भी रही ने, तो एप्रीशिएट भी हो रही ने, तो इदा ही आदियाँ भी रहनगियाँ क्योंकि सिनेमा हौली हौली चेंज हो रहा, देर मोर एक्सैप्टेबल नाउ, तो हुंदा रहूगा। एंड यू वॉन्ट टू प्ले एनी कॉमिक रोल? I actually did, so yeah, and I would love to do it again. मतलब मैं already मिश्री play कर चुकी हूँ, तो मैं दोबारा भी, that was a wonderful role. Thank you. तो मैं दोबारा, yeah, I love comedy. I love anything which is nice. मैनु script वधिया होवे तो मैं हाँ जी करूँगी। And gorgeous actress, don't you want to go in Bollywood industry also? जी जिथे कम बुलाऊगा, जिथे मैनू लगेगा कि स्क्रिप्ट वधिया या मैं कम कर सकती हाँ भी मैं इनू निभा सकती हाँ कैरेक्टर नू, तो पक्का किते भी, फिर बॉलीवुड होवे हॉलीवुड होवे किते भी बेसिकली स्क्रिप्ट ते कम ते। जैसे वो मूवी आई थी रबदा रेडियो, उसमें जैसे हमें एक मैसेज बहुत अच्छा मिला था आपसी रिश्तों में प्यार, तो इस मूवी के थ्रू भी हम वही चीज़ देखेंगे कि आपसी बॉन्डिंग रिलेशनशिप लोगों के स्ट्रॉन्ग बनेंगे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट मैनू लगता एज ज़्यादा ही देखने मिलेगा थोनू, ओच हजे फिर एच बहुत ज़्यादा एडिशनल कैरेक्टर्स ने, इमोशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ने, और बहुत वैरायटी है एच एच बहुत कुछ देखने मिलेगा दोनों। कितने न्यू कैरेक्टर्स इस मूवी में लॉन्च हुए? काफ़ी ने क्योंकि मनजिंदर और गुड्डी तो सेम ने, उन्हों का परिवार सेम आ, मतलब सहुरे घर, बट फिर अगे जो मतलब सहुरे घर एक्सटेंडेड फैमिली, एंड हूँ मैं ज़्यादा दस नहीं सकती, नहीं तो मैं स्टोरी दस देनी है, सो अगे तुम देखोगे बहुत कुछ अगे। It's going to be very interesting. मैम लास्ट में हम चाहते हैं आपकी मूवी रिलीज होने जा रही है 29 मार्च को, तो हम चाहते हैं अपने व्यूवर्स को, अपने फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस मूवी को वो देखने आए, अपनी अपना प्यार दें खूब सारा? बिल्कुल जी, जे तुसी रबदा रेडियो 1 देखी है तो आई एम श्योर तुसी हजे तक काफ़ी एक्साइटेड हो चुके होंगे 2 देखने को, पर जे नहीं भी देखी तो भी यूट्यूब पर मूवी पई है देख लो कोई चक्कर नहीं, तो आई वुड सुजैसट कि तुसी पहला पार्ट देख के जाओ, इल बी इंट्रस्टिंग क्योंकि रिफ्रैश हो जूगा थोड़ा, बट स्टिल इफ ईवन इफ यू डोंट वॉच इट इट्स ओके। 29 मार्च में पक्का जाए हॉल्स च अपनी फैमिलीज नू लैके सारे नू लैके, तो मूवी देख के आयो एंड इंजॉय करो, आई एम श्योर यू विल लव इट, तो दस्यो जरूर किदा लगी, कोई भी किसी के भी सोशल मीडिया हैंडल से मैसेज या कितने भी तुसी DM कर सकते हो, तो सानू दस सकते हो किदा लगी। जैसे लास्ट हम चाहते हैं इलेक्शन आ रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, आपको क्या लगता है किस टाइप के प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया को मिलने चाहिए? जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी ने काफ़ी एफर्ट्स किए, बहुत कुछ किया हमारे इंडिया के लिए, तो आपको क्या लगता है कि उनको रिपीट होना चाहिए या कुछ? मेरे कोई इन्ने मैं सच्ची दसा पोलिटिकल स्ट्रोंग व्यूज होंगे नहीं, मैं सिर्फ इन्ना कहूँगी कि वोट जरूर करो जाके, बिकॉज हूसो एवर इज एलिजिबल यू शुड वोट एंड दैट इज इट, बिकॉज फिर तुम बाद चो ब्लेम नहीं कर सकते घर बैठे बैठे जब तुम वोट ही नहीं किया भी ये हो गया वो हो गया, सो जस्ट वोट एंड आई होप सो कि जो भी आवे वधिया गवर्नमेंट आवे, दैट्स इट। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ रबदा रेडियो 2 जो अब मूवी रिलीज होने जा रही है 29 मार्च को, मिस सिमी चहल उनकी एक्ट्रेस जिन्होंने हमसे शेयर किए कुछ वंडरफुल मोमेंट्स, और उन्होंने हमें ये भी एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि अब इलेक्शंस आने वाले हैं तो हर एक कैंडिडेट को जो 18 प्लस है उनको वोट देने ज़रूर जाना चाहिए बिकॉज इट्स अ नीड फॉर आवर कंट्री। तो होपफुली आप सबको बहुत मज़ा आया होगा उनसे मिलकर, और हमने भी उनसे शेयर किए बहुत अच्छे मोमेंट्स। प्लीज़ जाइए 29 मार्च को और देखिए इस ब्यूटीफुल मूवी को जो आपसी रिलेशंस को बहुत ज़्यादा जोड़ के रखेगी। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, ते रबदा रेडियो मैनूं लगदा वी जिन्ने आपां पंजाबी सिनेमा देखण वाले हैगे आ स्रोते सारिआं ने देखी है जी, ते सारिआं नूं मैनूं लगदा उह दिल च वसण वाली फिल्म आ क्योंकि इक रियलिटी दे नेड़े सारे किरदार सीगे, उही फिल्म दा नैक्सट पार्ट आ जी इह, ते इह पहली पंजाबी फिल्म आ जिहदा सीक्वल जदों बणिआ तां इह पहली ते ही आधारित आ, इह यानी अलग किरदार जां अलग पलॉट नहीं हैगा, ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹੀ ਫਿਲਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਆ ਜੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਮਾਂਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਟੀਂਡੇ ਖੜਕਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਕੁਛ
ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਹਲਕੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਲੱਡੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਦ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਲੱਡੂ ਕੜੱਤਣ 'ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਿੰਮੀ ਨਾਲ ਔਨ ਸੈੱਟ, ਸਿੰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਂਗੂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਂਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਂਗੂ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੰਮੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਟਰਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਚਲੋ ਵੈਨਿਟੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਰਿਡ ਮੈਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ਿਪਰਾ ਬਸਰੀਜਾ, ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।